वेलकम टू डॉक्टर एनवायर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन ऑफ नरो इम्पल्स। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। ट्रांसमिशन ऑफ नरो इम्पल्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारे न्यूरॉन्स हमारे नर्वस टिश्यू में होते हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक न्यूरॉन है ये, और ये दूसरी न्यूरॉन है, और एक और ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जब नरो इम्पल्स जो बनता है, किस तरीके से वो बनता है, मैंने उस पर एक लेक्चर बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरी न्यूरॉन है, इस तरीके से बहुत सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, तो उसमें जब नरो इम्पल्स बनता है तो वो फिर क्या होगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में वो चला जाएगा, प्रोपागेट हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नरो इम्पल्स। अब ये जो ट्रांसमिशन ऑफ नरो इम्पल्स जो होता है, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, जिस न्यूरॉन से ये होता है, मतलब ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरे न्यूरॉन है, तो जहाँ पे ये ट्रांसमिशन होता है, जिस एरिया में ये ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, ये हमारी न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं यहाँ पे, और दूसरे न्यूरॉन का जो मतलब जिस पार्ट से नरो इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाएगा वो डेंड्राइट होगा, मतलब यहाँ से एग्जान, फिर एग्जान टर्मिनल के थ्रू दूसरे जो हमारा न्यूरॉन का एंड मतलब जो पार्ट होगा वो होगा डेंड्राइट, ठीक है ना। जहाँ से ये कम्युनिकेट करेंगे उस एरिया को बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है ना। तो जिस जहाँ से ये एक नरो इम्पल्स दूसरे नरो न्यूरॉन के डेंड्राइट में चला जाएगा, उस एरिया को, उस रीजन को बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है ना। तो अब सिनेप्स क्या होता है, ये ऐसा रीजन होता है जहाँ पे कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन किनके बीच में होगा, दो न्यूरॉन्स के बीच में। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, सिग्नल ट्रांसमिशन, ठीक है ना। तो ये जो सिनेप्स जो होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में ये होता है, जिससे दो न्यूरॉन्स का मतलब क्या होता है, प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में होता है। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या होता है, जहाँ से नरो इम्पल्स जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो होता है नरो जो होते हैं, यहाँ से नरो इम्पल्स चला जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्री सिनेप्टिक नरो, जिसमें ये चला जाएगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो हम क्या बोलेंगे, जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होता है ना, असल में क्या होता है, यहाँ से सिग्नल सेंड हो जाती है। और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या होता है, ये ऐसी सेल होती हैं जो ये नरो इम्पल्स जो बना है उसको रिसीव करेगा, उसी को बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है ना। तो असल में क्या करता है ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, क्या होता है ये रिसीव कर देता है जो सिग्नल आती है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से। जो सिनेप्स जो होते हैं, सिनेप्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, दूसरा होता है केमिकल सिनेप्स। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है, जो इम्पल्स बनता है, मतलब इम्पल्स जो बनता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो बनता है न्यूरॉन में, वो डायरेक्टली मतलब ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू दो एडजेसेंट न्यूरॉन के। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है ना, ये दो न्यूरॉन्स हैं, इनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ चैनल्स होते हैं, उन चैनल्स को क्या बोलते हैं, गैप जंक्शनस, ठीक है ना, उनको गैप जंक्शनस होते हैं, ये गैप जंक्शनस होते हैं, गैप जंक्शनस होते हैं, इनके ये जो गैप जंक्शनस होते हैं बिल्कुल इस सेल का साइटोप्लाज्म और इस सेल का साइटोप्लाज्म जो है ना, मतलब इनकी यहाँ ये वाला सेल अपने जो भी कम्युनिकेशन करेगा इसके साइटोप्लाज्म में वो चला जाएगा, ठीक है ना। तो असल में ये क्या होता है, ये होते हैं कनेक्शनस, ये प्रोटीन कनेक्शनस के बने होते हैं, ठीक है ना। तो इसके थ्रू ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं।
इस तरीके से आयन्स जो होते हैं ना फ्लो हो जाएंगे एक सेल से दूसरे सेल, इनके थ्रू, इन कनेक्शंस के थ्रू। तो इस तरीके से जब ये आयन्स मूव हो जाएंगे, यहाँ कोई आयन होगा, ये वो मूव करेगा इधर, तो वो मूव जो होता है उसको बोलते हैं, उसे डेवलप क्या हो जाएगा, उसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब ये होता है नरो इम्पल्स, ठीक है ना। तो दूसरा जो होता है हमारा स्नैप्स, वो होता है केमिकल स्नैप्स। केमिकल स्नैप्स में क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन का, तो वो रिलीज करता है केमिकल। वो केमिकल क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है ना। वो रिलीज करेगा, मतलब ये हमारा सिनेप्टिक बल्ब होता है, यहाँ पे क्या होते हैं केमिकल्स होते हैं, तो उन केमिकल्स को बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है ना। जब ये न्यूरो ट्रांसमीटर ही प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन ये इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक बल्ब से निकलेगा, तो वो इस एरिया में चला जाएगा। असल में जो दो न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, ये बिल्कुल इनका मतलब कांटेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे एक गैप होती है, बहुत छोटी सी गैप होती है। दैट गैप जो होती है वो लगभग कितनी गैप होती है, 20 to 25 nm होती है। इसमें क्या होता है, फ्लूड होता है इसमें, दैट फ्लूड इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूड। तो यहाँ से जब इस प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से जब न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा सिनेप्टिक बल्ब से, तो वो इस गैप जो होती है इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है ना, इसमें आएगा, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होते हैं, इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका, यहाँ पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स इस न्यूरो ट्रांसमीटर को रिसीव करके वो कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ जब हमने पढ़ा था वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता था, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता था एक नर्व सेल में, वो इस यहाँ से क्या होता है, वो यहाँ पे इस गैप में क्लेसाइनेटिक क्लेफ्ट में डिसकंटिन्यू होता है। इसलिए यहाँ से ये क्या करेगा, न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल जो होता है, केमिकल स्नैप्स बनाएगा, इसके थ्रू न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल डालेगा, न्यूरो ट्रांसमीटर वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जिस क्यों अटैच होगा, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम देखेंगे प्री सिनेप्टिक जो न्यूरॉन जो होते हैं, ये ट्रांसमीटर से रिलीज करते हैं। ये क्यों ट्रांसमिट रिलीज करते हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से, जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑलरेडी बना था उसकी वजह से, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो बना था उसकी वजह से ये स्टिमुलेट होके ये न्यूरो ट्रांसमीटर ये रिलीज करेगा, जो इस सिनेप्टिक क्लिफ्ट में डिफ्यूज हो जाएगा, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये अटैच हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, उस पोटेंशियल को बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है ना। इस तरीके से जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होता है ना, ये काम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होती है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है उसको कन्वर्ट करता है केमिकल सिग्नल। क्योंकि यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना था ना, यहाँ पे गैप आ गई, फिर इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लिफ्ट। तो इस गैप में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्नैप ने मतलब नहीं, इलेक्ट्रिकल क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल स्नैप्स नहीं हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, केमिकल स्नैप, क्योंकि यहाँ से पास नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ से केमिकल रिलीज करेगा। और ये प्री सिनेप्टिक ही होती है रेस्पॉन्सिबल, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल सिग्नल में, या केमिकल स्नैप्स में। क्यों, क्योंकि यही जो होती है, यही न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना। इसका जो मैकेनिज्म जो होता है ना, मतलब ये जो मेम्ब्रेन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस पोस्ट स्नैप्टिक न्यूरॉन जो होता है ना,
वो न्यूरो ट्रांसमीटर किस तरीके से एक्सेप्ट करेगा, और वो क्यों ऐसे थोड़ी ना होता, वो ऐसे ही जाएगा और उसमें चिपक जाएगा। इसका मैकेनिज्म होता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। इसका मैकेनिज्म जो होता है न्यूरो इम्पल्स का, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरो इम्पल्स का, उसका मैकेनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।